हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी 2f, ऑप्शन डी 4f. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर कर्व्ड मिरर है, कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्वेचर के अंदर होता है, विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड द कर्वेचर. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और उसका रियल इमेज को कैलकुलेट करना है कि वो वैल्यू क्या होगा फॉर अ कॉनकेव मिरर. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम कॉनकेव मिरर का एक डायग्राम लेंगे. सो लेट अस से ये है कर्वेचर और ये है वो हिस्सा जो सिल्वर कर चुके हैं और दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये जो ब्लैक में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो अगर हम इसका कंप्लीट करेंगे स्फीयर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे विच इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. ओके, सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ. जो ये कॉनकेव मिरर है वो एक बड़ा सा एक स्फीयर जो है उसका एक हिस्सा है. विच द कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ. इज अ पार्ट ऑफ. तो ये जो स्पॉट है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो रे डायग्राम डालेंगे कि कैसे इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव मिरर से वो कैसा होगा. तो अगर हम एक पैरेलल लाइट रे ऐसे लेंगे और दूसरा किसी डायरेक्शन में एक लाइट रे ऐसा देख लेंगे, सो दिस लाइट रे टेक अ डिफरेंट कलर, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ऐसा आएगा और ये जो है राइट इट अ लिटिल प्रॉपर्ली. तो ये यहाँ आएगा और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरफ इस डायरेक्शन पे आएगा और इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा. सो दिस इज द इमेज और ये होगा ऑब्जेक्ट. तो अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पे है एंड दिस विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वी विल गेट एन इन्वर्टेड इमेज एट द सेम पोजिशन वेर द ऑब्जेक्ट इज. लेकिन अभी कंक्लूड करके ये कह सकते कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर
देन द रियल इन्वर्टेड इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसके हिसाब से द मिनिमम डिस्टेंस, सो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओ एंड इमेज आई इज जीरो. तो अभी हम क्वेश्चन पे जाके करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं. सो फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज जीरो. द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.